Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Shahid Iqbal. Today we are going to discuss about the point mutations. Point mutations kya hoti hain? Point mutation ko discuss karne se pehle hum ye discuss karenge ki mutations hain kya. Mutation kisi aisi change ko, aisi tabdili ko, aisi alteration ko kaha jata hai jo DNA ke andar maujood ho, जो डीएनए को सीक्वेंस को बदल दे, चाहे वो स्मॉलर बेसिस के ऊपर हो, चाहे वो लार्जर बेसिस के ऊपर हो, वो डीएनए के कोडिंग इन्फॉर्मेशन को बदल दे, उसको हम म्यूटेशन कह देते हैं. म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ जिसके भी ऊपर हमारा फोकस है वो जस्ट पॉइंट म्यूटेशन है. कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होती हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट को ही फोकस करेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन से क्या मुराद लिया जाता है. पॉइंट म्यूटेशन, द म्यूटेशन कॉज बाय चेंज इन अ बेसिस इन अ डीएनए. कि अगर म्यूटेशन डीएनए का फ्रेगमेंट ना टूट जाए, जस्ट चंद एक बेसिस के अंदर चेंजेस आ जाए, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. इसका मतलब डीएनए के अंदर होने वाली म्यूटेशन जो किसी डीएनए के स्पेसिफाइड पार्ट के अंदर हो रही हैं, उन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम दे देते हैं. अब इसके कंसिक्वेंसेज हों क्या होंगे कि अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती हैं, व्हाट विल हैपन. रॉन्ग अमीनो एसिड बनेगा, रॉन्ग अमीनो एसिड बनेगा, उसे रॉन्ग प्रोटीन बनेगी, रॉन्ग प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलेगा, प्रोटीन के प्रॉपर्टी बदलेंगी, प्रोटीन के प्रॉपर्टी बदलेंगी, उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे. जब फंक्शन चेंज हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी. ये डिपेंड कर रहता है कि कौन सी प्रोटीन फंक्शन लेस हो गई, कौन सी प्रोटीन के फंक्शन में एरर आना स्टार्ट हो गया. अगर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन थी, फिर सर्वाइवल का चांस बहुत कम रह जाता है. इसके बहुत सारी डेंजरस डिजीजेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं. इनका क्योर भी बहुत मुश्किल से इसमें से होता है. इसमें से सबसे जो वेल नोन एग्जाम्पल है, हम इसमें से देखते हैं कि जैसे हीमोग्लोबिन है, 4-polypeptide, अगर उसके अंदर किसी किस्म का स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, जो कि हमारी वाइटल प्रोटीन है, आरबीसीज के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन को कैरी करने के अंदर इन्वॉल्व होती है, जब उसका टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम उसका उसमें से देखते हैं, वो उसमें से लेयर बाय राउंडेड फॉर्म में उसमें से एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह से इन प्रोटीन्स के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाए, वो उस हीमोग्लोबिन जो बन रही है उसको बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, तो कितना क्रिटिकल इसमें से प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये म्यूटेशन क्रिएट उसमें हो रही है. तो ये अगर ये म्यूटेशन किसी गैमिट्स के अंदर होती है या किसी सेल के अंदर होती है, ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन की तरफ भी चल सकती है. जो भी उसमें से न्यू बॉर्न होगा उसके अंदर ये म्यूटेशन आएगी, उस म्यूटेशन की वजह से उसके अंदर फिनोटिपिक टिपिकली उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी, मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाय बर्थ ऐसी चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं. बाय बर्थ चेंज उसके अंदर आने की वजह से उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसकी फिनोटाइप के अंदर चेंज आता है, उसके अपीयरेंस के अंदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वहाँ पर उसमें से चेंज आने स्टार्ट हो जाती है. इस कंडीशन के अंदर जब उसमें से गैमीट के अंदर चेंजेस आती हैं, म्यूटेशन आ जाती हैं, हम उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, या इस कंडीशन को हेरिडिटरी डिजीज़ कहा जाता है. इस जेनेटिक ऑर्डर या हेरिडिटरी डिजीज़ के अंदर हम टू डिजीज़ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, दूसरे को हम उसमें से करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके अंदर डिस्कस करते हैं जो कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. लुक हियर, सिकल सेल एनीमिया, अब इसमें से देखें, ये जो स्मॉल डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, नॉर्मल डीएनए का फ्रैगमेंट है, उसमें GAG कोडान है, ये अदर वन को देखा जाए CTC, जो CTC है ये उसमें से इस स्टैंड को नाम दीजिए टेम्पलेट है. टेम्पलेट से आरएनए बनेगा, आरएनए उसमें से बन रहा है, उसके अंदर GAG कोडान आएगा. GAG जो कोडान है, ये कोडान किसको स्पेसिफाई करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करेगा. तो सर ग्लूटामिक एसिड जो है इसमें से नॉर्मल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आएगा, ईच बीटा चेन के अंदर है, ये बीटा चेन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया. अगर किसी वजह से डीएनए के इस फ्रेगमेंट के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ जाए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड उसमें एक बेस मिसमैच हो जाए या रिप्लेस हो जाए, तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे. अब इसमें GAG की बजाय GTG आ जाए, इट मीन्स उसका कंप्लीमेंट्री कोडान भी बदल गया,
उसमें से कम्प्लीमेंट्री कोडान बदल गया, जब कम्प्लीमेंट्री कोडान बदला उसने ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन को स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर बजाय ग्लूटामिक एसिड के उसमें से वेलिन आ जाएगी तो उसमें से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लो डायग्राम के अंदर आप देखें, इससे एक बीटा ग्लोबुलिन है, उसके अंदर एच बी बी जीन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसमें से लोअर देखें जो म्यूटेटेड बीटा जीन है जी टी जी, अब दोनों के अंदर चेंज क्या आएंगे जब ये ट्रांसलेट होगा, जब डीएनए के फ्रेगमेंट के अंदर प्लांट म्यूटेशन हो चुकी होगी, अब उसमें से जो प्रोटीन बनेगी, नॉर्मल फॉर्म के अंदर देखें कि उसका टर्शरी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वह दूसरी प्रोटीन बनती है जो कि म्यूटेटेड है उसमें से रोप लाइक एग्रीगेशन के फॉर्म में आ जाती है। जब रोप लाइक, ये प्रोटीन ने कहाँ पर जाना है, ये प्रोटीन जिसको हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर भी कहते हैं, ईच बीटा चेन के अंदर पोजीशन नंबर 6 में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। वेलिन आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो रोप लाइक अपीयरेंस में आ जाएगा। ये प्रोटीन पाई जाएगी आरबीसीज के अंदर पाई जाएगी। आरबीसीज जो होते हैं ये बाइकनकेव होते हैं, इन आरबीसीज की जो बाइकनकेव नेचर है वो बदल जाएगी, क्योंकि जब इन आरबीसीज ने ब्लड वेसल से गुजरना है, कैपरीज में से गुजरना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, टिश्यूज की तरफ लेकर जाना है, वो एक प्रॉपर वे में लेकर जाते हैं। जब बजाय आरबीसीज बाइकनकेव होने के वो सिकल शेप हो जाएं, वो दरांती की शेप में हो जाएं, उनको कैपरी से पास होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसमें प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से क्या होगा, लुक हियर कि उसमें से सिकल सेल होने की वजह से ये आरबीसीज जो उसमें से होंगे वो कैपरीज के अंदर इंटेंजल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इंटेंजल होना स्टार्ट हो जाएंगे दे आर अनएबल टू कैरी प्रॉपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कैरी करेंगे लेकिन ना होने के बराबर ऑक्सीजन कैरी होगी। जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं जैसा कि हमारे हैंड्स के टर्मिनल पार्ट्स हैं या हमारे फुट के टर्मिनल पार्ट्स हैं, उन सेल की तरफ जो ऑक्सीजन है वो कम पहुंचेगी, मेटाबॉलिज्म कम होगा, एनर्जी कम होगी, और इस तरह से एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं हमारी बॉडी की होंगी वो वल्नरेबल होंगी, वो ज़्यादा वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जिस तरह से जस्ट एक उसमें से जो नाइट्रोजन बेस था वो चेंज हुआ, बाकी सारे उसमें से अपनी जगह पर मौजूद थे, उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सेकंड पॉइंट म्यूटेशन के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ उसमें से देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअली होता क्या है, ये भी उसमें से इनबॉर्न एरर है, ये भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से उसमें से हो जाता है। इसमें एक अमाइन एसिड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ से वो डिलीट हो जाता है उनके प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसके अंदर हेल्दी और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया, इस ट्रैकिया को रिप्रेजेंट किया गया। ट्रैकिया की जो एपिथेलियल जो लाइनिंग्स हैं उसके अंदर स्मूथ मसल को दिखाया गया, जो नॉर्मल है उसमें ट्रैकियल वाल बहुत स्मूथ है, वो ज़्यादा बल्जिंग फॉर्म में नहीं है, वो उसमें से थिन है, उसमें से स्मूथ है। और जो दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ट्रैकियल अपर्चर जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर जो कैरियर्स होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉपर वे में आयंस की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जो उसमें से म्यूकस है वो बजाय थिन होने के वो ट्रैकिया के अंदर ही थिक होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ट्रैकियल पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें से क्लोज और नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, और जिस वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। पॉइंट म्यूटेशन की टाइप्स कितनी हैं, टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस आर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, बेस पेयर इंसर्शन और डिलीशन, टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the replacement of one nucleotide and its partner from the complementary DNA strand when an other pair of the nucleotide, that is called the base pair substitution. It means एक nucleotide DNA की strand से निकल जाता है, उसकी जगह पर कोई और nucleotide आ जाएगा। अगर DNA के अंदर adenine था, adenine की जगह पर guanine आ गया, adenine replace हो गया, जो डीएनए की दूसरी स्टैंड होगी उसमें वहाँ पर
एडिनिन का कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा बल्कि गुआनिन का कम्प्लीमेंट्री होगा। जो गुआनिन का कम्प्लीमेंट्री है वो साइटोसिन है, वो वहाँ पर आ जाएगा। इससे जस्ट एक बेस निकल गया, उसकी जगह पर दूसरा उसमें से आ गया। इस बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की भी टू टाइप्स हैं, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में क्या उसमें से होगा, मिससेंस म्यूटेशन के अंदर अ कोडॉन स्टिल कोड फॉर अमाइनो एसिड दस मेक अ सेंस, दिस सेंस मे नॉट बी द राइट सेंस। इट हैज द टू टाइप्स, नंबर वन हार्मफुल मिससेंस म्यूटेशन। अब हार्मफुल मिससेंस में क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि एक जेनेटिक कोड दूसरे जेनेटिक कोड से रिप्लेस हो जाएगा। हियर डिजेनरेसी या जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें से एक कोड चेंज हुआ उसकी जगह पर दूसरा कोड कोडान आ गया। यानी पहले कोडान मिथिल उसमें से ल्यूसीन को स्पेसिफाई कर रहा था, इसकी जगह एक दूसरा कोडान आ गया, लेकिन वो कोडान तो बदला ड्यू टू द डिजेनरेटिव करेक्टर ऑफ द जेनेटिक कोड। न्यू कोडान आने की वजह से भी उसने सेम अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई किया। जब से सेम इसकी वजह से कोडान चेंज तो हुआ लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज ना आई, इसको कहते हैं मिससेंस आर साइलेंट म्यूटेशन भी इसको कहा जाता है। कैसे प्रोटीन बनेगी उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, बट इट इज़ अ म्यूटेशन, देयर इज अ अल्टरेशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन दैट चेंजेस एन ए कोडान इन टू ए जी कोडान इज ए साइलेंट because both codon specify lysine. Second type is lethal missense mutation. Alteration in a single amino acid in important area of the protein is called the lethal missense mutation. And it significantly alters the proteins. Such mutations are dangerous, creates useless or less active proteins that impair the cellular functions. Nonsense mutation, alteration in change of codon of an amino acid to a stop signal called the nonsense mutations. Is mutations ke andar koi genetic code ke andar is tarah ki tabdili aati hai ki wo codon kis mein change ho jayega, stop codon mein change ho jayega. Jis tarah se इसको कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन, इसको नाम दे दिया। एग्जांपल नॉनसेंस म्यूटेशन फाउंड इन द बीटा ग्लोबुलिन जीन इन विच अ म्यूटेशन फ्रॉम ए जी जी टू टी ए जी इन द 17th कोडान रिजल्ट इन द पॉलीपेप्टाइड ओनली 16 अमाइनो एसिड लेंथ। कि उसमें से जब ये बीटा चेन के अंदर 17 पोजीशन में जब एक चेंज आ जाएगी उसमें एक जो नॉर्मल कोडान है वो कोडान स्टॉप कोडान के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तक उसमें से तो इसमें से प्रोटीन बनेगी, उसमें 16 अमाइनो एसिड कोड होंगे, और 16 अमाइनो एसिड उसमें से कोड होंगे, उसके बाद वो प्रोटीन वहाँ से क्या हो जाएगी, वहाँ से डिटैच हो जाएगी। नॉर्मली यहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड बननी थी 146 अमाइनो एसिड वाली बननी थी, बट यहाँ 17 पोजीशन के ऊपर स्टॉप कोडान हो गया, इस वजह से जो बीटा चेन जो बनी है उसके अंदर जस्ट 16 अमाइनो एसिड्स हैं इंस्टेड ऑफ द 146। वी मेंशन हियर जो भी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, टी ए जी का कंसेप्ट बना था, बीटा ग्लोबुलिन में था, पोजीशन नंबर 17 के ऊपर था, ये डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट किया गया कि कैसे वो उसको ग्लूटामिक एसिड या उसमें से किसी और अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रही है, बट उसके बाद वो स्टॉप कोडान में चेंज हो गया, ये उसी का स्ट्रक्चर दिया गया। ये इसका जस्ट एक समरी दी गई है जो म्यूटेशन हमने डिस्कस की है। बेस पेयर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ फ्रेम आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर इन अ जीन। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड में अल्टर द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जेनेटिक मैसेज, सच म्यूटेशंस आर कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दीज अकर वेन एवर द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इंसर्टेड और डिलीटेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। फ्रेम शिफ्ट में ये होता है कि डीएनए के अंदर जेनेटिक मैसेज होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, अगर उसके अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या उसके अंदर कोई डिलीट हो जाए तो पूरे का पूरा उसका शिफ्ट जेनेटिक मैसेज का चेंज हो जाता है, उससे बनने वाली प्रोटीन, उससे बनने वाले स्पेसिफाई होने वाले अमाइनो एसिड वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है, जिसमें डीएनए का जेनेटिक फ्रेम, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बदल जाती है।
इसमें फ्रेश और म्यूटेशन के अंदर टैसेक डिजीज़ है। अब इसमें देखें, एक उसमें से जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसके अंदर डिलीट हो गया, यू यू यू, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ। जो कोडान था उसने साथ वाले न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ मिला लिया, इस तरह से उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, इस तरह से टैसेक डिजीज़ फ्रेशर म्यूटेशन की वजह से काज हो जाती है। ये भी इसी तरह फ्रेशर म्यूटेशन के अंदर नॉर्मल ट्रांसलेशन प्रोसेस है। इसके बाद देखें फर्स्ट फ्रेम शिफ्ट ट्रांसलेशन है, उसमें जो पहला कोडान ए सी जी था उसमें ए अलहदा हो गया, वो सी जी और साथ वाले कोडान का ए उसने साथ मिला लिया। इस तरह से पूरी के पूरी उसमें से सारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गए। और उसमें से माइनस वन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उसमें कहा जाता है कि उसमें से देखें ए सी जी है, अब दोनों उसमें ए सी जी उसमें से बदल गया, वो रिप्लेस हो गया, उसमें साथ वाले कुरान का जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया, इसमें से माइनस वन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ये जस्ट इसकी कैटेगरी है। ये भी उसी प्रोसेस को दिया हुआ है, दैट इज इंसर्शन है कि जिसमें जो रिप्रेजेंट किया गया रेड में कि उसमें एक न्यूक्लियोटाइड को ए को एडिनिन को ऐड कर दिया गया, उसमें 10 बेसिस हो गए। दूसरे नंबर के ऊपर देखें सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस को भी दिया गया, डिलीशन प्रोसेस को भी दिया गया। अगर इसी में से उसमें साइटोसिन डिलीट हो जाती है तो 8 नाइट्रोजन बेसिस उसमें से हो जाते हैं। और सेकंड प्रोसेस का सब्स्टिट्यूशन दिया गया कि अगर एडिनिन है एडिनिन की जगह से साइटोसिन रिप्लेस हो जाए, न्यूक्लियोटाइड तो उसमें से उतने ही रहेंगे लेकिन उसमें से सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। ये उसका एक ओवरव्यू है। थैंक यू वेरी मच।